डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एक्सरसाइज 5.3 के। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि भाई इन फिगर 5.51, ये वाला फिगर, इफ ए बी पार्लर टू डी, ए बी हमारा डी को पार्लर होगा, अगर ए बी पार्लर हो डी को, एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, सी डी ई 53 डिग्री है, डी हमारा 53 है, ये हमारा 35 है, फाइंड डी सी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, ये फिगर हम मैंने यहाँ पे तैयार किया हुए, अब हमें इसका निकालना है। ये क्लास 9th एक्सरसाइज हमारा है 5.3। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारा ए बी पार्लर है, वहाँ पे गिवन है ए बी पार्लर है किसका, डी का, इसका मतलब ए बी हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है ए बी पार्लर टू डी ई, गिवन है डी ई पार्लर है, और एंड ए ई बीन हमारे क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल हो रहा है, बीन ए ट्रांसवर्सल वर्सल हो रहा है। ठीक, ये हमारे पास है। अब यहां पे देख लीजिए, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा ना, तो हमारा ए और ई क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, ये हमारा अल्टरनेट होगा, क्यों, इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये ए ई हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ एंगल बी ए ई इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल ए ई डी के बराबर होगा, ये हमारे पास क्या गिवन है, बी ए ई हमारे पास 35 डिग्री है, ये भी एंगल ए ई डी भी हमारे पास 35 डिग्री आएंगे। ठीक, ये आपके पास आ गया, अब हमें क्या निकालना है, निकालना है ये हमारे पास कितना है 35 डिग्री, हमें निकालना है ये वाला एंगल। ठीक, अब नाउ इन ट्रेंगल सी डी ई निकालना है। ठीक, सी डी ई ट्रेंगल, एंगल डी सी ई प्लस, हमें यह मालूम है कि भाई सम ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी या सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें ये मालूम नहीं है, इसको एंगल डी सी ई को हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज एंगल सी डी ई, सी डी ई हमारे पास 53 डिग्री है, एंगल सी ई डी हमारे पास कितने आए थे 35 डिग्री, इक्वल टू किसके बराबर का होगा 180 डिग्री का, अब इसको एज इट इज रहने दीजिए, डी सी ई को इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 हुआ, यहाँ पे भी 8 हुआ, 88 हो रहा है, 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी सी इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री कर दीजिए, ये हो गया एंगल डी सी ई हमारे पास कितना आए 88, 10 माइनस 8 कर दिया तो 2, यहाँ पे बचा 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया जो 92 डिग्री आ रहा है, एंगल सी डी ई हमारे पास, डी सी ई हमारे पास 92 डिग्री आ रहा है। आज के लिए इतना।
कल हम कितने क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें देखते हैं, 4, 5, 6। कल हम 4 और 5 करवा देते हैं, इसके बाद 6, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक, थैंक यू।